मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, से यहाँ पे बताया जा रहा है से इंटर नामांकन स्थगित किया जाए, यानी कि आप लोगों का इंटर में 4 तारीख से जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद नामांकन शुरू होगा। तो जो एडमिशन 4 तारीख के बाद होने वाला है उसको जो है फिलहाल स्थगित करने की मांग की जा रही है बोर्ड से और सरकार से, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से ये पत्र लिख करके भेजा गया है। उसमें यह मांग किया जा रहा है कि इस समय में ऐसे स्थिति में अभी बाढ़ की स्थिति है और सभी जगह स्कूल जो है कॉलेज में पानी भरा हुआ है, किसी कॉलेज में भट ढार, किसी कॉलेज में भट होना, इतना ऐसा पानी भरा हुआ है। तो उसके बाद अभी लॉकडाउन भी है, बिहार जो है अभी लॉकडाउन स्थिति से गुजर रही है। 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ले अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो इस स्थिति में वाहन भी मिलना मुश्किल है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस ज़िला से उस ज़िला में कितने को जाना पड़ता है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होगा, ये सारी बातें इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बिहार बोर्ड को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए 4 अगस्त से शुरू होने वाली 11वीं कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कई जिलों में कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है और स्कूल में घुटने भर से अधिक पानी जमा है। साथ ही लॉकडाउन के कारण घरों से निकलने पर पाबंदियाँ हैं। ऐसी स्थिति में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और न सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण बहुत अध्यापक स्कूलों में जा नहीं पाएंगे। सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी है। उन्होंने ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 4 अगस्त से शुरू होने वाले 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए। सामान्य स्थिति होने पर इस प्रकार की स्थिति को सुधारा जाए, उसके बाद शुरू किया जाए प्रक्रिया को। तो ये आज के पेपर में जो समाचार आया है उसके हिसाब से हम बताए हैं। बोर्ड और सरकार की तरफ से क्या आदेश आता है तो हम आपको इसके अगले वीडियो में बताएंगे। जो बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी है वो क्या निर्णय लेते हैं और सरकार जो है क्या निर्णय लेती है, वो क्या सूचना भेजते हैं, क्या जारी करते हैं, आप लोग उसको जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको तुरंत मिला उसी वक्त। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।